हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ष 1999 में हिंदी सिनेमा के किस बड़े अभिनेता ने अपनी फिल्मों से सबसे ज्यादा कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को दिया था। मैं इस वीडियो में जो भी फिल्मों का कलेक्शन बताऊंगा वह वर्ल्ड वाइड का होगा, न कि इंडिया का। दोस्तों, इस लिस्ट में 13वें नंबर पर थे मिथुन चक्रवर्ती। इनकी इस साल कई फिल्में आई थी, बात करते हैं आग ही आग की। इस फिल्म ने कुल कमाई की थी 1,99,00,000 की और एक डिजास्टर फिल्म थी। आया तूफान थी एक फिल्म, 1,72,00,000 का कलेक्शन किया था और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। बेनाम फिल्म थी, 2,15,00,000 तक की कमाई की थी और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। गंगा की कसम, 2,57,00,000 से ज्यादा की फिल्म ने कमाई की, उसके बावजूद यह फिल्म फ्लॉप थी। कहानी किस्मत की, 74,00,000 के करीब इस फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही। फूल और आग, 1,67,00,000 की फिल्म ने कमाई की, उसके बावजूद यह फिल्म डिजास्टर थी। सन्यासी मेरा नाम, 3,08,00,000 की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। सौतेला, 1,63,00,000 की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। शेरा, 4,52,00,000 की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। सिकंदर सड़क का, 50,00,000 से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म भी डिजास्टर थी। तबाही, 1,32,00,000 के करीब फिल्म ने कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। दोस्तों, अब देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती का इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह हुआ था 21,89,00,000 का। 12वें नंबर पर थे शाहरुख खान। इनकी इस साल सिर्फ एक फिल्म आई थी, उसका नाम है बादशाह। 31,61,00,000 से ज्यादा की फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म एवरेज थी। दोस्तों, 11वें नंबर पर थे अक्षय कुमार। इनकी फिल्म आई थी आरजू। 11,77,00,000 की फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी, 16,20,00,000 के करीब फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म एवरेज रही। जानवर, 18,95,00,000 से ज्यादा की फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म हिट थी। संघर्ष, 10,55,00,000 से ज्यादा का कलेक्शन हुआ और यह फिल्म एवरेज रही। जुल्मी, 4,93,00,000 की कमाई हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। अब देखा जाए तो अक्षय कुमार की सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 62,40,00,000 का। दोस्तों, 10वें नंबर पर थे गोविंदा। इनकी फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1। 17,83,00,000 की फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म हिट साबित हुई। हसीना मान जाएगी, 26,10,00,000 की कमाई की और यह फिल्म हिट थी। हम तुम पे मरते हैं, 11,20,00,000 की फिल्म ने कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप थी। राजा जी, 7,57,00,000 की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। अब देखा जाए तो गोविंदा की फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 62,70,00,000 का। दोस्तों, इस साल 9 नंबर पर थे आमिर खान। इनकी एक फिल्म थी मन, 33,50,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज थी। नेक्स्ट मूवी थी इनकी सरफरोश, 29,31,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म हिट थी। अब देखा जाए तो आमिर खान की फिल्मों का टोटल कलेक्शन 62,81,00,000 का था। दोस्तों, 8वें नंबर पर थे सनी देओल। इनकी फिल्म थी अर्जुन पंडित, 31,50,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज थी। नेक्स्ट मूवी थी इनकी दिल लगी, 21,22,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। प्यार कोई खेल नहीं एक फिल्म थी, 13,03,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। अब देखा जाए तो सनी देओल ने अपने फिल्मों से टोटल कलेक्शन किया था वह था 65,75,00,000 का। दोस्तों, 7वें नंबर पर थे अमिताभ बच्चन। इनकी फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम, 26,65,00,000 से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म एवरेज थी। नेक्स्ट मूवी थी लाल बादशाह, 13,14,00,000 की कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। कोहराम फिल्म आई थी, 16,10,00,000 से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। सूर्यवंशम फिल्म थी, 12,65,00,000 से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप थी। अब देखा जाए तो इनकी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 68,54,00,000 का। दोस्तों, 6वें नंबर पर थे अक्षय खन्ना। इनकी फिल्म थी आ अब लौट चलें, 20,49,00,000 से ज़्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज थी। दहेक फिल्म थी, 1,81,00,000 से ज़्यादा की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर थी। लावारिस फिल्म थी, 4,63,00,000 के करीब कमाई की थी और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। इनकी साल बड़ी फिल्म आई थी ताल, 50,00,00,000 से ज़्यादा की कमाई की और यह फिल्म हिट थी। अब अक्षय खन्ना की फिल्मों का टोटल कलेक्शन था 76,93,00,000 का। दोस्तों, इस साल 5वें नंबर पर थे संजय दत्त। इनकी फिल्म थी दाग द फायर। यह फिल्म 20,20,00,000 से ज़्यादा की कमाई की थी और हिट थी। हसीना मान जाएगी, 26,10,00,000 की कमाई की और यह फिल्म हिट थी। कारतूस फिल्म थी, 13,40,00,000 के करीब कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। खूबसूरत फिल्म थी, 15,06,00,000 की कमाई की और यह फिल्म सेमी हिट थी। सफारी फिल्म आई थी, 2,66,00,000 की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही।
वास्तव फिल्म थी 20 करोड़ 50 लाख के करीब कमाई की और यह फिल्म भी सेमी हिट थी। अब देखा जाए तो संजय दत्त की फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 97 करोड़ 92 लाख का। दोस्तों इस साल चौथे नंबर पर थे अजय देवगन, इनकी फिल्म थी दिल क्या करी, 18 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। गैर फिल्म थी 5 करोड़ 81 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। होगी प्यार की जीत फिल्म आई थी 14 करोड़ 32 लाख की कमाई की और यह फिल्म हिट रही। हम दिल दे चुके सनम फिल्म थी 51 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा की कमाई की और यह फिल्म हिट थी। कच्चे धागे फिल्म आई थी 28 करोड़ 80 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म भी हिट थी। टचक फिल्म थी 6 करोड़ 52 लाख के करीब कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर थी। हिंदुस्तान की कसम फिल्म आई थी 26 करोड़ 65 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज थी। अब देखा जाए तो अजय देवगन ने अपनी फिल्मों से जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 152 करोड़ 12 लाख का। दोस्तों इस साल तीसरे नंबर पर थे अनिल कपूर, इनकी फिल्म थी बीबी नंबर 1, 49 करोड़ 77 लाख की कमाई की और सुपरहिट थी। हम आपके दिल में रहते हैं 36 करोड़ 18 लाख की कमाई की और यह फिल्म सुपरहिट थी। मन फिल्म थी 33 करोड़ 50 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज थी। नेक्स्ट मूवी थी ताल, 50 करोड़ के करीब कमाई की और यह फिल्म भी हिट थी। तो अनिल कपूर की फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 166 करोड़ 45 लाख का। दोस्तों इस साल दूसरे नंबर पर थे सैफ अली खान, इनकी फिल्म थी आरजू, 11 करोड़ 77 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। बीबी नंबर 1 फिल्म आई थी 49 करोड़ 77 लाख के करीब कमाई की और सुपरहिट फिल्म थी। हम साथ साथ हैं फिल्म आई थी जो कि साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म भी थी। यह फिल्म 88 करोड़ 58 लाख की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर थी। कच्चे धागे फिल्म थी 28 करोड़ 80 लाख की कमाई की और यह फिल्म हिट थी। ये है मुंबई मेरी जान फिल्म आई थी, 4 करोड़ 50 लाख के करीब कमाई की थी और यह फिल्म डिजास्टर थी। सैफ अली खान ने इस साल अपनी फिल्मों से कमाई करके दिया था 183 करोड़ 42 लाख का। दोस्तों इस साल पहले नंबर पर थे सलमान खान, इनकी फिल्म थी बीबी नंबर 1, 49 करोड़ 77 लाख के करीब कमाई की थी और सुपरहिट थी। हम साथ साथ हैं फिल्म आई थी 88 करोड़ 58 लाख के करीब कमाई की और ब्लॉकबस्टर थी। हेलो ब्रदर फिल्म थी 20 करोड़ के करीब कमाई की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म आई थी 51 करोड़ 40 लाख के करीब कमाई की और यह फिल्म हिट थी। जानम समझा करो फिल्म थी 15 करोड़ के करीब कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप थी। सलमान खान ने इस साल अपने फिल्मों से जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 224 करोड़ 75 लाख का, जिसके साथ यह इस साल के सबसे बड़े अभिनेता भी बन गए थे।